AIIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को RSS का छोटा रिचार्ज बताया है। ओवैसी ने आम आदमी पार्टी पर यह हमला उनके सुंदरकांड पाठ को लेकर किया है। AIIMIM चीफ ने कहा है कि ये लोग संघ के एजेंडे का पूरा साथ दे रहे हैं। बिल्किस बानो के मामले में इन लोगों ने चुप्पी साधे रखी। जब पूछा गया तो आपके नेताओं ने कहा कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मामलों पर बात करना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा कि सुंदरकांड पाठ किस मसले से जुड़ा है, शिक्षा या स्वास्थ्य। AIIMIM चीफ ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है, RSS का छोटा रिचार्ज ने फैसला लिया है कि दिल्ली में हर विधानसभा क्षेत्र में हर महीने पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया जाएगा। ये फैसला 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से लिया है। ओवैसी ने आगे लिखा कि आपको याद दिला दूं कि ये लोग बिल्किस बानो के मामले में चुप्पी बनाए रखे हुए थे। कहा था कि वो सिर्फ शिक्षा और सेहत जैसे मसलों पर बात करते हैं। क्या सुंदरकांड पाठ शिक्षा या सेहत से जुड़ा हुआ है? असल बात यह है कि इन्हें इंसाफ से परहेज है। संघ के एजेंडे का पूरा साथ दे रहे हैं। हम बावरी की बात न करें, आप न्याय मोहब्बत फलाना का बाजा बजाते रहो और साथ में हिंदुत्व को मजबूत करते रहो। वाह। रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।